बीएसएफ अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। हम लोगों ने वहाँ पे अपने बॉर्डर को पूरी तरह संभाल के रखा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही है, ट्रूप्स को इंस्ट्रक्शन पास की हुई है कि आप अपनी गर्मी से सारे तरह के प्रिकॉशन लेके चलें। उनको बताया गया जब आप बाहर ड्यूटी में जाते हैं धूप में, आप अपने सिर को कवर करके रखें, गले के अंदर भी कोई कपड़ा वगैरह बांध के रखें और बीच बीच में पानी के साथ उस कपड़े को ठंडा करके अपने गले को लपेट के रखें। धूल बड़ी आंधी उड़ने की भी संभावना बनी रहती है इस गर्मी में, तो उनको बताया गया कि आप अपना चश्मा जरूर पहन के ड्यूटी करें ताकि इस समय जो है आँखों के ऊपर सीधी रोशनी ना पड़े और वो अपने सामने का एरिया अच्छी तरह देख सकें। एक एजेंसी के साथ हम लोग बॉर्डर पे शेल्टर लगा रहे हैं जिसको हमने रेन शेल्टर का नाम दिया है। उसके तहत हम पूरे बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एओआर है उसमें उसको कवर कर रहे हैं और उस शेल्टर में जो है इंसुलिन शीट लगा रखी है जिससे टेम्परेचर हमेशा बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम ही रहता है। तो जवान उसमें खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इन फ्यूचर में जब कभी रेनी सीजन आएगा तो उसमें भी बचाव करके अपने जवान उस चीज़ को ड्यूटी कर सकेंगे। बीएसएफ अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। हम लोगों ने वहाँ पे अपने बॉर्डर को पूरी तरह संभाल के रखा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही है, ट्रूप्स को इंस्ट्रक्शन पास की हुई है कि आप अपनी गर्मी से सारे तरह के प्रिकॉशन लेके चलें। उनको बताया गया जब आप बाहर ड्यूटी में जाते हैं धूप में आप अपने सिर को कवर करके रखें, गले के अंदर भी कोई कपड़ा वगैरह बांध के रखें और बीच बीच में पानी के साथ उस कपड़े को ठंडा करके अपने गले को लपेट के रखें। धूल बड़ी आंधी उड़ने की भी संभावना बनी रहती है इस गर्मी में, तो उनको बताया गया कि आप अपना चश्मा जरूर पहन के ड्यूटी करें ताकि इस समय जो है आँखों के ऊपर सीधी रोशनी ना पड़े और वो अपने सामने का एरिया अच्छी तरह देख सकें। एक एजेंसी के साथ हम लोग बॉर्डर पर शेल्टर लगा रहे हैं जिसको हमने रेन शेल्टर का नाम दिया है। उसके तहत हम पूरे बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एओआर है उसमें उसको कवर कर रहे हैं और उस शेल्टर में जो है इंसुलिन शीट लगा रखी है जिससे टेम्परेचर हमेशा बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम ही रहता है। तो जवान उसमें खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इन फ्यूचर में जब कभी रेनी सीजन आएगा तो उसमें भी बचाव करके अपने जवान उस चीज़ को ड्यूटी कर सकें।